हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं बना रही हूँ एक न्यू रेसिपी। प्लीज़ मेरा वीडियो लास्ट तक देखें, अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ। आप मेरे ब्लॉग में प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए और मेरा ब्लॉग प्लीज़ लास्ट तक देखा करिए। देखिए फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यह है गोभी, यह पालक। देखिए थोड़ा सा पालक में इसको उबाल के आज इसकी रेसिपी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए और आप मेरा ब्लॉग प्लीज लास्ट तक देखिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने पालक रख दिया है उबलने के लिए। ये पालक उबलेगा तब तक मैं गोभी को कद्दूकस कर लूँगी। और मैं सोया, फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये एक कटोरी से कम सोयाबीन है। अब मैं इसको पानी में गला दूँगी। मैंने यहाँ पे ले लिया है गोभी है, प्याज है, ये है शिमला मिर्च, ये गाजर। मैं इन सबको काट लूँगी, गोभी को कद्दूकस करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कद्दूकस कर ली हैं। यह है सोयाबीन, ये मैंने करी है मिक्सी द्वारा। देखिए यह है गाजर, ये गोभी, ये प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, ये शिमला मिर्च। हम इसको भी इसमें मिलाएंगे। देखिए जो मैंने सारी वेजिटेबल सब्जियाँ काट के रखी थी, अब हम उन्हें फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, लहसुन डाल दिया है। अब हम इन्हें थोड़ी देर पहले फ्राई करेंगे, फिर इसमें डालेंगे हम प्याज, गोभी, गाजर जो काट के रखी थी, हम सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। कढ़ाई में हम इन्हें बस 5 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। हमारी ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टमाटर नहीं डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गाजर भी इसमें डाल दी है। हम इन्हें थोड़ी देर ही, 10 या 5 मिनट तक इन्हें हम फ्राई करेंगे। तब तक हमारी ये फ्राई हो जाएंगे, सोयाबीन भी डाल देंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर हम इन्हें नहीं करेंगे फ्राई, हमारे भगोसे अच्छी तरह से बनेंगे। बहुत लोग दाल के बनाते हैं। आज मैं गोभी, सोयाबीन, सब चीज़ें जितनी घर पे वेजिटेबल थी, मैं सारी चीज़ों से बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला। हम इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। नमक अपने अनुसार डालना है, स्वाद अनुसार। हम इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए एक और चीज़ भी डालेंगे, मैगी मसाला। उससे तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा स्वाद आएगा। देखिए हमने इसमें डाल दिया है मैगी मसाला। अभी हमारी फिलिंग अच्छे से तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहली बार बना रही हूँ, आप कमेंट में बताना कैसे बने हैं। अगर आपको भी अपने घर में बनाने हैं तो बना लीजिए। मैं लाल मिर्च डालना भूल गई थी फ्रेंड्स, अब मैं डाल रही हूँ बाद में। अब मैं यहाँ पर लगाऊँगी आटा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 कटोरी आटा लिया था। आप अपने अनुसार लगा सकते हैं, घर में कितने लोग हैं। और ये पालक है जो मैंने आपको वीडियो में आगे बताया था, उबाल के रख लिया था, पीस लिया था मैंने मिक्सी से। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आटे में। थोड़ा सा पानी लेके अब इसको हम माड़ेंगे, गूँथेंगे, जैसे कि पूड़ियों के लिए गूँथते हैं। देखिए मैंने आटा यहाँ पर लगा लिया है दोनों तरह का, एक तो सादा, एक पालक वाला। सबकी इस तरीके से लोई बना लेनी है हमें, पूड़ियाँ बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी ये टफिंग थी, ये कितने अच्छे से दिख रही है, खाने में बहुत स्वाद थी। और जो गूंजे बनाते हैं हम उसी सांचे के सहायता से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने घर पर भी ट्राई करना।
और जो भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरी की तरह बेल लिया इसको। अब मैं इस सांचे में रखूँगी और अपनी फिर अब एक चम्मच से ज़्यादा नहीं भरना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पूरी इस तरीके से बेलनी है, इतनी पतली इस तरीके से रख के। और हमें बीच में यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं था, यहाँ पे हमें कढ़ाई में हमें पानी गर्म होने के लिए रख देना चाहिए था। यहाँ पे देखिए मैंने रख दिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको दिखाए थे वो गूंजे की तरह मैंने यहाँ पे भर लिए हैं सारे भबोसे। अब मैं आटे के जो सादा आटा था मैं उसी से बना रही हूँ। देखिए मैं इस तरीके से सारे भर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरे इस तरीके से बन गए हैं। आपको बता दूं मैं, एक और ट्रिक है मेरे पास। देखिए यहाँ पे कांटे की चम्मच ले सकते हैं, उससे भी ऐसे डिजाइन बना सकते हैं, यूँ दाब के बहुत अच्छे से बन जाएंगे। देख लीजिए आप, देखिए कितने अच्छे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम मेरा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। देखिए मैंने सारे भगोसे अपने भर लिए हैं और अच्छे से खोल जाए पानी तभी हमें इन्हें डालना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे दोनों को डाल दूँगी, दोनों तरह के हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। मेरी वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें सारे डाल दूँगी। अब मैं इन्हें ढक दूँगी, हमें इन्हें 10 मिनट के लिए रखना है। 10 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारे भगोसे कितने अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, पक गए हैं। हमें इन्हें बेलन की सहायता से हमें इन्हें पलटना है। मैंने यहाँ में चिमटे से भी पलट दिया है, एक मेरा फट गया चिमटे से। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती मत करना, आप बेलन ले लेना, उसी से पलटना। देखिए हम इन्हें निकाल लेंगे, ये हमारे बन चुके हैं सारे, पक गए हैं अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ, ये पालक है, इसमें टमाटर, हरा धनिया, सारी चीज़ें मिक्स करके चटनी बनाऊँगी, इनके साथ खाएंगे। आप इन्हें इस तरीके से भी खा सकते हैं, खाना चाहें तो। और हम इन्हें फ्राई भी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया था थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और मैंने इसमें डाल दिया राई। राई का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फ्राई करूँगी सारे भगोसों को। दो हिस्से में करूँगी, पहले थोड़े से डालूँगी 6-7। हमें इन्हें उलटते पलटते सेकना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे भगोसे यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी। एक ये फट गया था तो इसलिए कढ़ाई में चिपक गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं और भी इसमें डाल दूँगी, इन्हें भी फ्राई कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मेरे फ्राई हो चुके हैं, मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ कितने अच्छे से बने हैं ये। देखिए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए, कितने अच्छे लग रहे हैं खाने में, बहुत टेस्टी थे। आइए फ्रेंड्स।